हेलो बच्चों, आज मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। अब बेटा कोशिश यही रहेगी कि मैं रेगुलर जो है वीडियो डालूंगा जहाँ तक संभव हो सकेगा। अभी भी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि बच्चों का नुकसान होगा, इसलिए मैंने जो है आपका मैंने कुछ चैप्टर जो है जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं 12 CBSE के जो एग्जाम्स होने वाले हैं फरवरी में, तो उनके लिए कुछ चैप्टर्स बच गए थे। उन सोच रहे हैं कि उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके समक्ष मैं वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर दूं। तो बेटा मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है। आज का जो टॉपिक मेरा रहेगा एल्कोहल फिनाल एंड ईथर, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए मैंने लिख रखा है ये एल्कोहल फिनाल ईथर का है और ये केमिकल काइनेटिक्स का है। तो आज मैं दो चैप्टर्स का बताऊंगा, तो इसको बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा और कोशिश यही रहेगी कि आपकी कि आप इसको जो है जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम के लिए, तो आपका काफी प्रॉफिट होगा। तो बेटा आज हम इस चैप्टर का जो शुरू कर रहे हैं एल्कोहल फिनाइल ईथर का, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने इसमें जो है देखिए क्वेश्चंस लिख रखा है। करीब 14 क्वेश्चंस हैं और इसके बाद एनसीईआरटी के जो संभावित क्वेश्चंस हैं वो भी आ सकते हैं। तो एक एक करके मैं लिखा दे रहा हूँ, आप बेटा इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक का ही बता रहे थे, तो ऑर्गेनिक में मैंने बता दिया था। अब ये केवल आपका ये एल्कोहल फिनाइल ईथर है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखिए और इसको अपना नोट करके जरूर तैयार करके जाइएगा। इससे आपको एग्जाम में जरूर से जरूर ये मान लीजिए 100% आपको लाभ मिलेगा जरूर। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा बेटा, लेकिन जरूर पढ़िएगा। तो क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा है नहीं बेटा, मैंने पहला क्वेश्चन से लिख रखा है। क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है बेटा राइट द IUPAC IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये बेटा कुछ कंपाउंड्स के नेम है जो मुझे लग रहे हैं पूछे जा सकते हैं, बेटा इनको कर लीजिएगा। जैसे देखिए ये दे सकता है CH2OH CH2OH, ये कंपाउंड एक ही है, ये आपका ए हो गया। इसी तरह से बी दे दिया जाए, इसका CH2OH CHOH CH2OH, ये बी कंपाउंड हो गया। इसी तरह से बेटा जैसे ये सी दे दिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन बेटा नोट कर लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके विषय में तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आएगा कौन सा IUPAC, लेकिन कुछ जो आ सकते हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। डी क्वेश्चंस डी पॉइंट, जैसे देखिए बेटा ये दे दिया जाए CH3 CH2 OH, इसके बाद ऐसे ई नंबर दे दिया जाए। कुछ क्वेश्चंस है जो बेटा मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा CH2CH CH2OH, ये हो गया। फिर इसी तरह से आपका एफ, ये कंपाउंड देखिए बेंजी रिंग है, ये ऐसे क्वेश्चन दे सकता है CH2CHOH CH3, ये है। फिर इसी तरह से जी कंपाउंड देख लीजिए, ये इसमें जैसे बेटा ये है, CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 ये बेटा कुछ कंपाउंड्स हैं इनके IUPAC नेम लिख लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन भी IUPAC से रिलेटेड दे दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिए आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
अब इसी को हम कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू। और ये जो है आपका अब क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस में ऐसे दिया रह सकता है कि राइट द आईपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिससे पहला दे दिया जाए ओ ओ क्रिसाल, दूसरा दे दिया जाए बी एम क्रिसाल, तीसरा दे दिया जाए सी पी क्रिसाल। इसके बाद सी के बाद डी नंबर ई ऐसे दे सकता है, ये सब आईपीसी ने बेटा दे सकता है, डी के बाद ई रिसोर्स। और एफ क्विनॉल पूछ दे या इसी को ऐसे भी सकता है, क्विनॉल ही पूछे ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका आईपीसी का। ये देखिए इसके जो क्वेश्चन है क्वार्टरनल इथर का, एक ही वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अगर हम आपको प्रस्तुत करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरी कोशिश है कि थोड़ा छोटा करें, तो इसलिए इसको हम दो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। तो अभी पहला लेक्चर है, इसको आप देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन अब बेटा तीसरा क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिए। चलिए अब दो क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन बेटा ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, Why bond angle COH in alcohol is 109°28°। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो करिएगा। दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, कंप्लीट द रिएक्शन एंड राइट देयर मैकेनिज्म, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन एंड राइट देयर मैकेनिज्म। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, इसको जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन बेटा ऐसे देगा, ये दो मैकेनिज्म्स हो सकता है, जैसे ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस H2O H+, ऐसे देगा क्वेश्चन। बी नंबर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 CH+। ये बड़ा क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ये चार क्वेश्चंस हो गए इसके इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद पांचवा, पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चार हो गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, मिटा दे रहे बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस कर डालिएगा।
पढ़ लेंगे बेटा, तो गारंटी है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और नंबर भी काफी पाएंगे। क्वेश्चन नंबर पांच, पांच फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें फिफ्थ में देखिए ए पार्ट है, राइट नोट्स ऑन, राइट नोट्स ऑन हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा ये भी क्वेश्चंस आ सकता है। देखिए मैंने जो कोई पेपर्स बनाया रखा है आपका, ये हम आपको बोर्ड स्तर तक का जो भी क्वेश्चंस हमको लग रहा है, क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है इसमें, तो मैंने जो सोचा है कि आपको प्रोवाइड करा दे जिससे कि आप इसको प्रैक्टिस करिए। समय तो है भी कम नहीं है, मान लीजिए कुल मिला के 20-25 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर चाहेंगे तो 2 दिन में प्रिपेयर हो जाएगा ये। लेकिन बेटा प्रयास करिएगा जरूर करने का, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट तो 100% होगा। जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, जैसे जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं बोर्ड के लिए, जैसे होते हैं बहुत से बच्चों के पास प्रॉब्लम रहती है कि कोचिंग नहीं कर पाते, या बहुत से बच्चे देहात साइट्स के होते हैं, विलेज होते हैं, गांव के रहने वाले होते हैं, तो उनके पास कोचिंग की सुविधाएं सभी के पास नहीं होती। तो अगर ऐसे बच्चे केवल मेरे इस लेक्चर्स के जो क्वेश्चंस मैंने कराया है अगर कर लेंगे, तो मान लीजिएगा आपका प्रॉफिट इतना होगा कि आप मुझे याद भी करेंगे। तो बेटा इसको कर लीजिएगा और इसमें आपको लाभ तो जरूर मिलेगा इस क्वेश्चंस को। देखिए अगला बेटा ये है प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीजन, ग्रिगनार्ड रीजन। ये बेटा देख लीजिएगा, और सी पार्ट इसमें है, सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट है क्यूमीन, और सेकेंड है डायजोनियम साल्ट, डायजोनियम साल्ट। ये बेटा दो कंपाउंड से आप फिनॉल कैसे बनाएंगे बेटा पूछ सकता है। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद बेटा हम आपको सिक्स्थ क्वेश्चंस, छठा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा, सिक्स क्वेश्चंस में कई पार्ट हैं। देखिए सिक्स्थ में ए पार्ट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज हायर
इज हायर देन हेलो एरिन. हेलो एरिन भाई, ये क्वेश्चन है. डी वाला पार्ट इसका देखिए है, क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास. भाई ये है सी द पार्ट. एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर इन वाटर. और डी नंबर फिनाली सॉल्युबल इन वाटर. फिनाली सॉल्युबल इन वाटर भाई. और ई नंबर जो है फिनाल इज मोर एसिडिक. Phenol is more acidic than alcohol. Why? Or F numbers. Primary alcohol. Is more acidic than secondary and tertiary alcohol. ये बेटा क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा. 6 क्वेश्चंस हो गए आपके. ये 7वां क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं इसमें. यहाँ तक 7th लिखा के फिर अगले लेक्चर में हम इसका 8th से बताएंगे. इतना नोट कर लीजिएगा इसमें. तो ये बेटा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल फ्रॉम लिग्नार्डिएज. गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम फॉलोइंग क्यूमीन डायजोनियम साल्ट. फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन हेलोइरिन. व्हाई? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन हेलोइल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉल. व्हाई? एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर. भाई फिनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर. भाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल. भाई प्राइमरी एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल. तो बेटा ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए. एक क्वेश्चन और लिखा दे रहे हैं. ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया इस लेक्चर में. आप 7th क्वेश्चन भी लिखते रहे. चलिए क्वेश्चन नंबर 7th. क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन बेटा ये बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन
ये बेटा ये 7 क्वेश्चंस इस लेक्चर में मैंने कह दिया है, और इसके बाद जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। इतना क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिएगा इस लेक्चर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज है आपका पहला वीडियो लेक्चर है आपका एल्कोहल फिनाइल ईथर का, तो इसको जरूर देखिएगा। इस लेक्चर में मैं 7 ही क्वेश्चंस कर दिया हूँ, तो इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद एल्कोहल फिनाइल ईथर के जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगले लेक्चर में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग इसको देखिएगा। बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो लेक्चर्स हैं इनको आप देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक्स बेटा।